तो रूस तो शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है महाराष्ट्र के लिए, जहां पर वाधवन बंदरगाह या वाधवन पोर्ट और उसके अगल बगल के एरिया के लिए एक बड़ी खबर है। और फाइनली फर्स्ट टेंडर्स फॉर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ वाधवन पोर्ट इन्वाइट कर दिए गए है। तो 1700 करोड़ का एक बिड इन्वाइट किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जहाँ पर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए बिड है, रिटेन प्रोटेक्शन वॉल और शोर के वाले जगह पे होने वाले रिक्लेमेशन के लिए। तो जो लोग नहीं जानते वाधवन पोर्ट के लिए, उसके लिए 1448 हेक्टेयर्स ऑफ जमीन जो है वो रिक्लेम की जाने वाली है। अब ऐसे पोर्ट्स के लिए एक रिटेनिंग वॉल भी होती है जो मेन पोर्ट के आगे बनाई जाती है, ताकि लहरों से जो प्रोटेक्शन मिल सके। और ऑब्वियसली समुद्र के पहले जो एक्चुअल कोस्ट है वहां पे भी रोड वगैरह बनेंगे, तो कुछ रिक्लेमेशन वहां पे होगा। तो यहाँ पर 200 एकड़ जमीन इनिशियली शोर के पास में और एक ब्रेक वाटर वॉल जो एक कह सकते हो प्रोटेक्शन वॉल है, उसके लिए भी रिक्लेमेशन किया जाने वाला है। तो बहुत ज्यादा बड़ी खबर महाराष्ट्र के लिए। अगली खबर दोस्तों और ये इंडियन रेलवे से, जिन्होंने कहा है कि वो 5 अमृतबारी ट्रेन लॉन्च करने वाले हैं महाराष्ट्र के मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से, जो कि अलग अलग जगह पे जाएगी नॉर्दर्न इंडिया में। तो आप जानते हो नॉर्थ इंडिया स्पेशली यूपी और बिहार स्टेट से बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर्स है वो मुंबई में काम करते हैं। इसकी वजह से जितनी भी स्पेशल ट्रेन वगैरह चलती है, जितनी भी मैक्सिमम आप कहें तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती है जिनमें भीड़ होती है, वो इन्हीं रीजन में जाने वाली होती है। तो अमृत भारत ट्रेन जो है ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस और बांद्रा टर्मिनस, इन दो मेन स्टेशन से शुरू होगी और जाएगी समस्तीपुर जंक्शन, वाराणसी, सीतामढ़ी, भागलपुर और गोरखपुर। तो यहाँ पर वैसे ओवरऑल प्लान के बारे में बात करें तो 26 रूट्स वैसे फिलहाल प्लान किए गए हैं। और जो लोग अमृत भारत करके मैं नहीं जानते, तो एक काइंड ऑफ फुली अनरिजर्व्ड ये ट्रेन है जिसमें बेटर फैसिलिटीज दी गई है, पुश पुल टेक्नोलॉजी यानी दोनों तरफ लोकोमोटिव होने की वजह से ज्यादा स्पीड में ये ट्रेन दौड़ सकने वाली होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है असम से, जहाँ पर एक इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए यहाँ के जो सीएम है हिमांता बिस्वा शर्मा, उन्होंने लॉन्च किया है सीएम आत्मनिर्भर असम अभियान योजना। तो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ इंक्यूबेशन की तरीके का योजना है। 510 करोड़ रुपीज यहाँ पर वो इन्वेस्ट करेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे 25,238 एंटरप्रेन्योर्स में, और यहाँ पर फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट ये करेंगे। 75,000 इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज भी होंगे इंडिविजुअली, और यहाँ पर बेसिकली कोर्सेज कराए जाएंगे प्रोफेशनल लेवल पे, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह कराई जाएगी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, फिशनरी, इन अलग अलग चीजों के जो है कोर्सेज भी कराए जाएंगे लोगों को। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इनकॉप ग्लोबल से रिलेटेड, जो कि गिफ्ट सिटी के अंदर अपना ऑपरेशन शुरू करने वाले है। जो गिफ्ट सिटी के अंदर पिछले कुछ दिनों में बहुत खबरें मिल रही है कि कंपनी करके आ रही है, तो बेसिकली यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन होता है जिसको कहते हैं पायनियरिंग BATF लाइसेंस, जो इनको मिल गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी अपना काम शुरू करवाएंगे। तो यहाँ पर ये ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे BATF के अंदर, BFSI के अंदर, यानी बेसिकली बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस, इन सब चीजों में। तो गिफ्ट सिटी धीरे धीरे अपना रूप ले रही है, और लोग जो अंडरएस्टिमेट करते हैं उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं पे एक इंडिकेशन मिल रहा होगा कंपनीज के आने की वजह से। अगली खबर दोस्तों ये मालदीव से, जाके प्रेसिडेंट के द्वारा ये कहा गया है और एक्सेप्ट किया गया है संडे को हमारे देश में कि मालदीव में UPI या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल शुरू होगा और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है मालदीव में शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हो धीरे धीरे हम UPI को इंटरनेशनल ले जा रहे हैं। मालदीव के साथ में बीच में रिश्ते खराब हुए थे, लेकिन वो जो है वो ठीक अब हो गए हैं। सब जो भी हमारा था, डिफेंस था, इंफ्रा था, सब चीजों पे वापस नॉर्मलाइजेशन आ गया है। और यहाँ पर कहा गया कि बैंक, टेलीकॉम कंपनी, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो मालदीव में है वो UPI का इस्तेमाल पहले करना शुरू करेंगे, और फिर ये आगे चीजें बढ़ाई जाएगी, जहाँ पर हमारा डिजी लॉकर, आधार, इन जैसे सिस्टम्स को भी जो है हेल्प देगी, इन जैसे सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए भारत सरकार हेल्प करेगी मालदीव की। अगली खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद के अंदर बनने वाले लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से रिलेटेड, जहाँ पर 350 मेगावाट का एक प्लांट बनने वाला है जो कि वेस्ट टू एनर्जी होगा। तो यहाँ पर MOU साइन किया गया है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एक प्राइवेट कंपनी के बीच में, जो कि 1,000 मेट्रिक टन ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली बेसिस पे रिसाइकल करने की कैपेबिलिटी रखेगा, और इसके वजह से बिजली तो बनेगी ही लेकिन कचरा भी जो है वो कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल हो जाएगा। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो BVF बॉय पूछते हैं, इंडिया में लैंड एक्विजिशन इतना लेट हो जाता है तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकती? तो देखो यार, लैंड एक्विजिशन जो है हमेशा से एक बड़ा मैटर रहा है। और अगर आप लोग ये सोचते हो कि लैंड एक्विजिशन इसलिए ज्यादा करके लेट होता है कि हमारे यहाँ पे फार्मर्स, विलेजर्स है जिनका भी जमीन बीच में वो लोग विरोध करते हैं, तो वो रीजन है, लेकिन वो इतना डिले नहीं करवा सकते 5-6 साल तक, उसके लिए कानून बने हैं। मेजर लैंड एक्विजिशन का डिले जो है वो पॉलिटिक्स की वजह से आता है, ग्रुप बन के जो है पूरे गांव को विरोध करना, फिर पॉलिटिशियंस जनरली शहरों के आसपास में प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के काफी पहले जमीन लेके रखते हैं, उनके पास में पावर होती है चीजों को
रोकने की, ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने की, और तब जाके ये मेजर लैंड एक्विजिशन के इश्यूज बनते हैं। छोटे छोटे इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें लैंड एक्विजिशन को, तो हमारे यहाँ पर डंडे डेकर भी लैंड एक्विजिशन किया जाता है, लेकिन पॉलिसी ही इस तरीके से फ्रेम की गई है कि कुछ जगह पे बहुत प्रॉब्लम आती है और खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट ने एक न्यू लैंड एक्विजिशन पॉलिसी जो है 2014 में गवर्नमेंट बनने के बाद में इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन ऑब्वियसली बहुत लोगों का वेस्टर्न इंटरेस्ट था, हैवी प्रोटेस्ट हुए। इनफैक्ट अगर कहे इस गवर्नमेंट को जो भी मेजर ऑब्स्टेकल्स हुए थे प्रोटेस्ट के जरिए, जिनके अंदर पॉलिसीज को रोल बैक करना पड़ा, चाहे वो फार्म लॉज हो या भी प्रॉपरली जो यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन ना होना हो, ये सब चीजों के अंदर सबसे पहला अगर कोई बिल इस तरीके से रिटर्न लिया गया था तो वो लैंड एक्विजिशन रिलेटेड ही था। हालांकि कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिसके बाद में देश में प्रोजेक्ट सब तेजी से बन रहे हैं, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल के सबसे तेजी से बन रहे हैं, लेकिन अभी भी जो कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर उंगली हो जाती है लास्ट में शहरों के पास में आते आते, वो जो है पॉलिसी इशू है और पॉलिटिकल इशू है जिसके वजह से प्रॉब्लम आती है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो, और मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।